उस तूफानी रात के एक फोन कॉल के बाद सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। कई जिंदगियां बदल गई थी, लेकिन आज तक सच्चाई का किसी को भी पता नहीं लगा है। घर में थोड़ा अंधेरा भी था और बिल्कुल सन्नाटा, तो समहरा को यह चीज थोड़ी अजीब लगी क्योंकि रोजाना ऐसा नहीं होता था। फिर उसने सोचा कि शायद बच्चे सो रहे हैं, इसलिए पूरे घर में अंधेरा कर रखा है। इसके बाद समहरा टीवी देखने लग गई। एक घंटे तक टीवी देखने के बाद समहरा ने मिठाई खाने का सोचा। वह जैसे ही उठी तो उसे सीढ़ियों पर जहरी खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, उसकी आंखें एकदम खुली हुई थी। वह पलके तक नहीं झपका रहा था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। हेलो जहरी, तुम कैसे हो? नींद पूरी हो गई? आओ तुम्हें मिठाई दूं। जहरी कुछ नहीं बोला और एक टक समहरा की तरफ देखता रहा। क्या हुआ जहरी बेटा, नीचे आ जाओ। और जहरी यूं ही सीधा खड़ा रहा। उसने तेज चीख मारी और सीधा खड़ा अचानक नीचे की तरफ गिर गया। ऐसा लगा मानो उसने ऐसा जानबूझकर कर दिया था। समहरा जोर से चिल्लाई, वो भागकर उसके पास गई। तभी अचानक जहरी वहां से गायब हो गया। समहरा के पसीने छूटने लगे। उसे लगा कि शायद वो कोई बुरा सपना देख रही थी। वह खुद के चेहरे पर थपड़े लगाने लगी। हे भगवान, मुझे लगता है मुझे नींद नहीं आ रही है। चलिए इस कहानी को ठीक से समझने के लिए कुछ दिन पहले चलते हैं। सिद्धार्थ और मीनाक्षी को पूरा शहर जानता था क्योंकि वे अपने बिजनेस में काफी सफल हो चुके थे। धीरे धीरे सिद्धार्थ अपने बिजनेस में काफी सफल हो गया था। मीनाक्षी घर पर ही रहती थी और सिद्धार्थ बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए वक्त निकाल पाता था। परिवार की बात करें तो उनके दो जुड़वा बच्चे थे, लीली और जेरी। मीनाक्षी, मुझे अब बिजनेस में तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम बिजनेस में मेरे साथ आओ। वो तो ठीक है सिद्धार्थ, लेकिन बच्चों को कौन संभालेगा? अरे हम इतना पैसा कमा रहे हैं, बच्चों के लिए हम बेबी सीटर रख लेंगे, बाकी सब नौकर तो है ही। ठीक है, पर इस छोटे से शहर में बेबी सीटर मिलना भी तो मुश्किल है। तुम चिंता मत करो, ये सब मैं देख लूंगा। उन्होंने हर अखबार में बेबी सीटर की वैकेंसी के एड छपवा दी थी। तो एक दिन समहरा नाम की 21 साल की एक लड़की उनके दरवाजे पर पहुंची, जो दिखने में ही काफी गरीब लग रही थी। उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, वह काफी दुखी लग रही थी। गार्ड ने उसे अंदर भी नहीं जाने दिया। वह हाथ जोड़कर गार्ड से विनती करने लगी। साहब जाने दो ना, मैं काम के लिए आई हूँ। नहीं है जरूरत, चल निकल। तभी अंदर गार्डन में खड़ी मीनाक्षी उसे देख लेती है। उसकी परमिशन से समहरा घर के अंदर आती है। वो काफी डरी और सहमी हुई थी। तो क्या करती हो तुम और पापा क्या करते हैं? मैं नौकरी की तलाश में हूँ मेम साहब, और पापा। समहरा बोलते बोलते अचानक रुक गई। क्या हुआ बोलो? पापा जेल में है। क्यों, क्या क्राइम किया था? चोरी के आरोप में मैडम। देखो, मैं एक चोर की बेटी को नौकरी पर नहीं रख सकता। समहरा हाथ जोड़कर रोने लगती है और उनसे विनती करती है। ऐसे मत करो साहब, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मुझे रख लीजिए। मेरा बाप चोर है, मैं नहीं। हाथ जोड़कर विनती है साहब। उसकी हालत देखकर उन दोनों को दया आ जाती है और आखिरकार उसे इस बेबी सीटर की नौकरी पर रख लिया गया। समहरा ने सोमवार से शनिवार सुबह 8 से रात 8 बजे तक बेबी सीटर की नौकरी शुरू कर दी थी। उसे वहां अच्छे पैसे मिलते थे, अच्छा खाना पीना भी मिलता था। समहरा इस नौकरी से काफी खुश थी और वो पूरी लगन के साथ नौकरी कर रही थी। वो दोनों अपने काम में बेहद बिजी थे। उन दोनों के पास संडे के अलावा बच्चों को संभालने का वक्त नहीं मिलने वाला था। अब सिद्धार्थ और मीनाक्षी मिलकर बिजनेस संभालने लगे। एक दिन सिद्धार्थ के घर उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर रोमिल अपनी शादी का कार्ड देने आता है। वह समहरा की पूछताछ करने लगता है। यार ध्यान रखना, आजकल ये घर के नौकर ही घर वालों को लूट लेते हैं। अरे इसका बाप तो चोर है, मैंने तो मीनाक्षी से पहले ही कहा था, पर वो माने तब ना। कमाल है, तुम तो बड़े रिस्क टेकर हो, अपने गले में पहले ही मुसीबत डाल के बैठे हो, संभल कर रहना इससे। खैर अब तक सब ठीक चल रहा था। तो संडे का दिन था, आसमान में बादल छाए हुए थे। अभी दोपहर होने को ही थी कि अचानक बरसात शुरू हो गई। समहरा अपने घर पर ही थी, तभी समहरा का फोन बजा। अरे मीनाक्षी मैडम का कॉल, आज तो वो रोमिल साहब की शादी से वापस आए होंगे। उसने फोन उठाया और बात की। समहरा, आज हमें बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है,
तो आज तुम बच्चों की देखभाल के लिए आ जाओ। लेकिन मैडम, आप आज ही तो शादी से वापस आए हैं और आज संडे भी है। हाँ, काम भी अचानक से आ पड़ा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके लिए अलग से पे कर दूंगी। वो बात नहीं है मैडम, पर मैं कैसे आऊँ? बाहर तो इतना तूफान आ रहा है और आपका घर भी इतनी दूर है। तुम बस तैयार रहो, तुम्हारे साहब तुम्हें घर से ले जाएंगे और तुम्हें यहाँ छोड़कर हम काम पर निकल पड़ेंगे। तो समहरा जल्दी से घर के काम निपटा कर तैयार हो गई और आधे घंटे में सिद्धार्थ भी वहाँ पहुँच गया। वो समायरा को अपने घर ले आया। समायरा, दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं, खाने का सभी सामान किचन में रखा है और रोमिल की शादी की मिठाई भी रखी है, खा लेना। ठीक है मैडम, मैं और सिद्धार्थ 3 या 4 घंटे में घर आ जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे साहब तुम्हें घर पर छोड़ आएंगे। मैडम, आज ड्राइवर क्यों नहीं आया? ड्राइवर आज छुट्टी पर है, इसलिए सिद्धार्थ ही तुम्हें लेने आए थे। तो इसके बाद मीनाक्षी और सिद्धार्थ वहाँ से निकल जाते हैं। वापस से आज का दिन, अब तक समारा बहुत डर चुकी थी। तभी उसे किचन में बर्तन और पानी की आवाज आने लगी। अब ये किचन में बर्तन की आवाज क्यों आ रही है? लगता है कोई बिल्ली आ गई है। वह किचन की तरफ जाने लगी तो समायरा ने देखा कि किचन में शेल्फ के ऊपर चढ़कर लिली सिंह के पास बैठी थी और बर्तन धो रही थी। समायरा को लिली की पीठ दिखाई दे रही थी, उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, सिर्फ पानी और बर्तन की आवाज आ रही थी। अरे लिली, ये काम तुम क्यों कर रही हो बच्चे? तुम अभी बहुत छोटी हो और तुम यहाँ ऊपर कैसे चढ़ गई? लेकिन लिली ने कोई जवाब नहीं दिया। समायरा और नजदीक गई तो देखा कि नल में से पानी की जगह खून बह रहा था। और जैसे ही लिली ने उसकी तरफ देखा, लिली का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे जैरी का था। चेहरे पर कोई भाव नहीं था और आंखें एकदम फटी हुई थी। चेहरे पर पूरा गुस्सा था। समायरा का दिल मानो गले में आ गया। अचानक से पीछे हट गई और दीवार से टकराई। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी लिली ने खून से भरा एक गिलास समायरा के चेहरे पर फेंक दिया और समायरा पूरी खून से लथपथ हो गई और पागलों की तरह चिल्लाने लगी। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां से हिल सके। वह आंखें बंद करके सिर्फ चिल्लाती रही कि तभी एकदम शांति छा गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि ना तो वहां पर लिली थी, ना ही कोई बर्तन और ना ही उस पर कोई खून। समायरा के साथ यह सब क्या हो रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। समायरा उस घर से जाने का सोच ही रही थी, लेकिन वो चाहकर भी वहां से जा नहीं सकती क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी उसी पर थी। फिर उसने खुद को शांत किया और वापस जाकर सोफे पर बैठ गई। तभी उसे ऊपर से किसी के भागने की आवाज आने लगी। मुझे लगता है इस घर में कोई चोर घुस गया है। जेरी और लिली के कमरे ऊपर थे और सिद्धार्थ और मीनाक्षी का एक कमरा ऊपर भी था और नीचे भी। वह जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर गई। तभी उसे जेरी भागते हुए दिखाई दिया। वह भागते हुए अपने कमरे में चला गया। जेरी, कहाँ भाग रहे हो? इधर आओ बच्चे। लेकिन जेरी ने जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और समायरा लिली के कमरे में चेक करने के लिए गई। उसने देखा कि वो कमरा बिल्कुल खाली था तो वो हैरान हो गई, क्योंकि मीनाक्षी मैडम कहकर गई थी कि लिली सो रही है, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थी। फिर उसने सोचा कि शायद वो अपने भाई जेरी के कमरे में सो रही होगी। वो दोबारा से जेरी के कमरे की तरफ गई और इस बार वो कमरा खुल भी गया, पर वहां पर कोई नहीं था। फिर वो बाथरूम में चेक करने के लिए गई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां का भयानक नजारा देखकर वो हिल गई। वो जोर से चिल्लाई। बाथरूम में लिली और जेरी पानी वाले टब में डूबे हुए थे। वह बिल्कुल सफेद पड़ चुके थे। उनकी आंखें खुली हुई थी, चेहरे पर वही भाव थे जो थोड़ी देर पहले समायरा ने देखे थे। इसका मतलब जो उसने देखा वह सच्चाई भी थी, वो लिली और जेरी के भूत ही थे। तभी उसने कांपते हुए हाथों से मीनाक्षी को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। फिर उसने सिद्धार्थ को फोन किया और उसका भी फोन बंद था। वह बहुत डर गई। अगर बच्चे जिंदा नहीं है तो वो भागने की आवाज किसकी आ रही थी? कहीं उनका कातिल यही तो नहीं छुपा हुआ? हे भगवान! समायरा ने जल्दी से पुलिस को कॉल करके सारी बात बताई। पुलिस के आने से पहले वो सिद्धार्थ और मीनाक्षी के कमरे में चेक करने गई और उसने हाथ में एक डंडा और टॉर्च लिया हुआ था, क्योंकि वहां काफी अंधेरा था। उसे लगा कि कातिल को देखते ही वो उस पर डंडे से वार करेगी। जैसे ही उसने सिद्धार्थ और मीनाक्षी का कमरा खोला, उसके होश उड़ गए। वो चिल्लाई। सिद्धार्थ और मीनाक्षी वहां बेड पर पड़े थे। उन दोनों के मुंह से झाग निकल रहा था। उनकी भी आंखें बिल्कुल वैसे ही खुली थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो डर से कांप रही थी।
ये दोनों भी मर चुके हैं, तो अभी दोपहर के वक्त सिद्धार्थ साहब मुझे कैसे लेने आए? वो पूरी तरह से उलझ गई थी। अचानक से उस कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। समारा एकदम चौकन्नी हो गई। समारा ने एक हाथ में अपना टॉर्च दरवाजे की तरफ कर दिया और दूसरे हाथ में डंडा जोर से पकड़ लिया। तभी वो दरवाजा एकदम से पूरा खुल गया और वहां सामने पुलिस खड़ी थी। समारा ने सारी बात पुलिस को बताई कि वो उस घर में एक बेबी सीटर का काम करती है और आज संडे के दिन मीनाक्षी ने उसे फोन किया था क्योंकि उन्हें बाहर जाना था और आज वो बच्चों को देखने आई थी। पुलिस ने उसकी बात सुनी और फिर उसका फोन चेक किया। उसके फोन में मीनाक्षी के फोन से बात हुई थी, ये तो सच था, लेकिन पुलिस को उस पर शक होने लगा कि उसी ने इन सबका कत्ल किया है क्योंकि समारा के पापा चोर थे। परिवार की हिस्ट्री भी ऐसी थी जिसकी वजह से समारा की बात पर विश्वास नहीं किया जा रहा था। मैंने कुछ नहीं किया सर, अगर मैंने ऐसा किया होता मैं आपको फोन क्यों करती? आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए लेकिन दुर्भाग्य से सीसीटीवी बंद थे, वो पहले से ही बंद कर दिए थे। पुलिस को विश्वास हो गया कि समायरा ने ही कैमरे बंद किए होंगे। कुछ दिनों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक नया मोड़ आया जिससे पता लगा कि उन सबकी मौत जहर से हुई है और ये जहर एक मिठाई में था। समायरा ने उनको बताया कि इस हादसे के एक दिन पहले वो अपने दोस्त रोमिल की शादी में गए थे और वहीं से मिठाई लाए थे। छानबीन में पता लगा कि रोमिल ने उन्हें जहर वाली मिठाई दी थी क्योंकि वो सिद्धार्थ और उसके परिवार को खत्म कर देना चाहता था, क्योंकि सिद्धार्थ और मीनाक्षी की मौत के बाद वो पूरे का पूरा बिजनेस हड़प सके। वो उनकी तरक्की से काफी जलता था। पुलिस ने समारा को छोड़ दिया था, अब वो सुरक्षित थी और इस केस का मुजरिम रोमिल जेल में था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।